ना ना हिम्मत भाई, मैं उधार की तारीख नहीं बढ़ा सकता। अरे तारीख बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। हाँ क्या? अरे भाई तुम्हारी मुसीबत की वजह से मैं मुसीबत में क्यों हूँ बताओ मेरे को। मेरे को सोमवार तक पैसा चाहिए बस। हाँ बहुत भूख लगी छे भाई। क्या रे निर्मेश, हैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मालूम है क्या है? और आजकल ये डब्बा लेट क्यों लेके आ रहा है? करूँ क्या, दक्षा बहन को तेरी कंप्लेंट करूँ क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो क्या हो गया ने कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। हाँ। तो उसके वजह से ने मैं थोड़ा अटक गया। हाँ ठीक है, रख ये, ये, ये लो सेठ जी। हाँ। सेठ जी। हाँ। खाना एकदम गर्म है। कब से भूख लगी है मालूम है तेरे को? क्या देख रहा है उधर है सेठ जी? वो क्या है ने कि दक्षा बहन ने है ने पिछले महीने के टिफिन के पैसे मंगाए। अरे तेरे को और दक्षा बहन को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? है क्या, मैं आज ही मरने वाला हूँ? रुक देता हूँ, रुक किधर खड़ा रहे। ये ले पैसा दे देना दक्षा बहन को जा। गट्टू बोलू, बेहोश हो गए? हाँ हाँ 100%। खाने ने अपना काम कर दिया है। हाँ रखता हूं। और ये देखिए मेरे लॉ स्कूल की फोटोज। ये विश्वजीत राणावत, याद है ना आपको, हैंडसम मैन। ये मेरे गुरु श्री विद्याधर जी गोखले। नहीं सर। क्या हो गया तुझे? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे आपसे एक जरूरी काम है सर। आपको मेरे लिए केस लड़ना होगा। कैसा केस?
दक्षा बहन का केस था। सर जब मैं अहमदाबाद में 3 साल तक कॉलेज में था तो हर रोज उन्हीं के वहां से टिफिन आता था। सर कमाल का खाना बनाती है। सर उनकी हाथों में जादू है। सर ट्रस्ट मी, आज तो मैं उनके खाने का टेस्ट भुला नहीं पाया। सर आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी लेडी है वो। वरुण स्लो डाउन, खाने की छोड़िया, दक्षा बहन के बारे में बता। सर दक्षा बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चोरी के केस में। सर बट आई एम वेरी श्योर उन्होंने चोरी नहीं की, किसी ने उन्हें फंसाया। सर आई एम टेलिंग यू ना, वो बहुत अच्छी लेडी। यार देख वरुण, मैं तो मर्डर केस से लड़ता हूँ, चोरी का केस है, चोपड़ा साहब लड़ लेंगे ना? चोपड़ा साहब नहीं सर, सर ये केस आप ही को लड़ना होगा। सर दक्षा बहन ने मुझे स्पेशली फोन किया आपकी हेल्प के लिए। सर ये केस आपको लड़ना होगा मेरे लिए। अगर तू कह रहा है बेगुनाह है तो लड़ना ही पड़ेगा। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें अहमदाबाद जाना होगा। टिकट करवा ले। थैंक यू सर। 10 मिनट है बस, समझ गए हो, इससे ज्यादा नहीं। दक्षा बहन जय श्री कृष्ण, मैं केडी पाठक। केडी बहन जय श्री कृष्ण, आपको कौन नहीं जानता, पूरे गुजरात में आपके नाम का डंका है। कभी सोचा नहीं था कि आपको इस तरह से सलाखों के पीछे मिलूंगी। आप चिंता मत करिए, यहां ज्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। बताइए उस दिन क्या हुआ था। योर ऑनर, हमारे अहमदाबाद में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में यह कहावत है कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, पर हमारी दक्षा बहन की ये कहावत है कि किसी भी इंसान की तिजोरी का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। 14 सितंबर दोपहर 1:30 बजे दक्षा बहन ने अपने क्लाइंट साहूकार खिमजी वोरा के यहाँ अपने टिफिन का डिब्बा भेजा। ये टिफिन का डिब्बा जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, इतने टेस्टी, इतने अच्छे कि इंसान पकवान के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाए और फिर बेहोश हो जाए, क्योंकि इसी दक्षा बहन ने उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये रही उस बचे हुए खाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट, और उसी नशे में खिमजीबाई फौरन बेहोश हो गए। बस इसी मौके की ताक में बैठा दक्षा बहन का साथीदार गट्टू परमार फौरन दुकान के अंदर आ गया और पूरे 4,30,20,000 रुपए की चोरी की। खिमजी वोरा की पूरी जमा पूंजी। खिमजीबाई वोरा इस अदालत में क्यों नहीं आए? योर ऑनर, वो ICU में है, उनकी दोनों किडनियां कमजोर हो गई हैं। दक्षा बहन ने अपने खाने में जो सेडेटिव्स मिलाकर उन्हें दिए थे उससे उनकी दोनों किडनियों को काफी नुकसान पहुंचा है। He is critical. जसब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। 4 पुश्तों से हम खाना बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं, आज तक कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अपने अन्न पर गर्व है मुझे। और क्या आपको लगता है कि मैं अपने ही खाने में जहर या नशे की दवाई मिलाकर किसी को इस तरह से नहीं जज साहब, इस तरह अपने अन्न का अपमान करके मैं किसी की हद नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है जज साहब। दक्षा बहन, आपके संस्कार क्या हैं क्या नहीं है पर ये तो हम नहीं जानते, पर आप मेरा विश्वास कीजिए कि एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिलहाल आप जो कुछ भी बोल रही हैं वो सरासर झूठ बोल रही हैं। और रहा सवाल आपके संस्कारों का, ये तो हमारे गवाहों से पता हमें चल ही जाएगा, है ना? चित साहब, मेरा पहला गवाह है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर गट्टू परमार। जी मैंने पुलिस को बोल दिया है, चोरी मैंने ही की थी।
कहकर तुमने अदालत की बहुत बड़ी मदद की है, पर हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, उसे भी सॉल्व कर दो। खीमजी भाई के घर से कुल 4,30,20,000 रुपए चोरी हुए थे, पर तुम्हारे घर से तो उसकी आधी रकम ही बरामद हुई है ना? बाकी नहीं? बाकी रकम मैंने उसको दी थी जिसने मुझे चोरी करने वहां भेजा था, मेरा भागीदार। तुम्हारा भागीदार है ना? कौन? दक्षा बेन। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। उन्होंने मुझे वहां बुलाया और बोला कि खिमची भाई के ऑफिस में करोड़ों रुपए हैं। हाँ, दोपहर के वक्त उनके ऑफिस में कोई भी नहीं होता, सब लोग खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं। मैं खिमची भाई के डब्बे में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। हाँ, उन्हें खाना खिला देना, फिर चोरी करके सारा रुपया ले आना। वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे आधे मेरे। ठीक है दीक्षा बहन। झूठ, जैसा भी आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ है ये। मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसने मुझे देखा है। ये मुझे फंसा रहा है जॉन साहब, ये मुझे फंसा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने माँ की कसम खा के कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए, कभी नहीं। दक्षाबेन, ये अंबे माता का ही प्रकोप है, क्योंकि आपने उनकी झूठी कसम खाई और इस बात के मेरे पास गवाह है, एक नहीं पर त्रण त्रण। हाँ, मैंने इस आदमी को 2 हफ्ते पहले दक्षाबेन के घर से निकलते देखा था। हाँ, मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। हाँ साहब, मैंने भी इस आदमी को दक्षा बेन के घर से निकलते देखा था। सुना दक्षा बेन, खड़ पड़ी नहीं? ले, अब भी आप कहेंगी कि आप गट्टू को नहीं जानती? नहीं, चल कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। पहचाना इस बैग को? योर ऑनर, ये वही बैग है जिसमें से पुलिस को 2,15,10,000 रुपए बरामद हुए थे, और ये बैग दक्षा बेन के घर के बाहर कूड़ेदान में मिली थी, और इन्होंने ही घट्टू को ये बैग वहां रखने के लिए कहा था। नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम ये पैसे वहां कैसे आए। ये मैंने कुछ नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं सब, सब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। तो फिर तुम्हारे खाने में तुम्हारे अलावा बेहोशी की दवा और कौन डाल सकता है? मिसेस कक्कर, बस इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिमजी भाई के टिफिन में, दक्षा बहन के खाने में दक्षा बहन के अलावा और कौन बेहोशी की दवा मिला सकता है। योर ऑनर, दक्षा बहन अपने 4 पुश्तों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और इज्जत चंद रुपयों के लिए दाव पर लगा दे, ये संभव नहीं है। बड़ी साफ बात है कि खिमजी भाई के टिफिन में बेहोशी की दवा दक्षा बहन ने नहीं, किसी और ने डाली थी। किसी और ने? I don't feel bad, लेकिन आप मुंबई वाले किसी भी नतीजे पर फौरन पहुंच जाते हैं। दक्षा बेन, मैं चाहूंगी कि आप अदालत को अपने पूरे दिन का रूटीन बताएं, डिटेल में, ताकि हम हमारे मेहमान मुंबई से आए हुए मेरे दोस्त केड़ी भाई ये जान सके कि ये काम किया किसने है, है ना? हाँ है, बोलिए। जी जैसा, मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करके रसोई में जाती हूँ, फिर मैं दाल अनाज और
तरकारी साफ कर लेती हूँ, तब तक 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजे हमारे महाराज आते हैं, जो पिछले 20 साल से मेरे साथ रसोई में काम कर रहे हैं। फिर हम दोनों मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। राइट, यानी आप दोनों ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। नहीं केडी भाई, हमारे महाराज तो इतने गुनी हैं कि वो अकेले हाथ सबका खाना बना सकते हैं। फिर 10 बजे तक सारा खाना बन जाता है, दाल चावल सब्जी और मीठा। फिर 10 बजे पवित्र आती है। पवित्रा बहन जी, पवित्रा सारे डब्बे साफ करके मुझे देती है और फिर मैं उन डब्बों को चेक करके मैं महाराज और पवित्रा डब्बों में खाना भरते हैं। दक्षा बहन, डब्बे में खाना पैक करने से पहले क्या आप चखती हैं? हाँ केड़ी भाई, हमेशा। ग्यारह साल की उम्र से खाना बना रही हूँ साहब, अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा भी हो जाए ना तो मैं सूंघ के बता सकती हूँ। और उस दिन आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, खाना बिल्कुल ठीक था? हाँ, मैंने खाना चख के देखा था। चलिए खाना तैयार हो गया, डिब्बों में भर गया। फिर मेरे दोनों लड़के आते हैं, निर्मेश और मनसुख, मेरा मतलब जो मेरे लिए रसोई में काम करते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने लिस्ट के मुताबिक डब्बों को बांटने के लिए चले जाते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, खाना बनाने की क्रिया से लेकर उसे डिब्बे में भरकर भेजने की क्रिया तक, हर काम आपकी नजर के सामने होता है ना? तो जब ये कार्य चलता है उस समय आप कहाँ होती हैं? मैं वही रहती हूँ केड़ी भाई, मेरी नजर यहाँ से वहां जरा नहीं हटती। दक्षा बहन, खेमजी भाई को डब्बा किसने पहुँचाया था? जी, निर्मेश ने। भी क्या बताऊं साहब, मेरे सामने था ना डब्बा पूरा टाइम बंद आता, क्योंकि मैंने तो डब्बा लिया ने, मैंने तो सीधा साइकिल पे टांगा ने, बिना किधर रुके मैं तो सीधा खेमजी भाई के ऑफिस पर पहुंच गया। क्या है ना कि उनका डब्बा पहला था ना, तो सब मैंने तो घंटी बजाया, डब्बा दिया, महीने के पैसे लिए ने मैं तो निकल गया सब। तो उस समय खेमजी भाई के साथ उनके दफ्तर में कोई था? नहीं साहब, वो तो अकेले थे, पर और तो और साहब उन्होंने है ना मेरे सामने डब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया। हैं? इसलिए किसी और को उसमें कुछ भी मिलाने की गुंजाइश थी ही नहीं, हैं? Brilliant observation, Mrs. Tucker. Thank you very much. तो आम तौर पर डब्बा लेकर खिमजी भाई के ऑफिस कितने बजे पहुंचते थे आप? यही 1 बजे। लेकिन उस दिन तो आप 1:20 पे पहुंचे थे, ये 20 मिनट लेट क्यों हो गए? नहीं नहीं साहब, ऐसा आपको किसने बोला है? जज साहब, मेरा नाम किशन भाई धारीवाल है और मैं भी खेमजी भाई की तरह एक साहूकार हूँ, और मेरा दफ्तर और इनका दफ्तर आजू बाजू है, और ये लड़का उनको टिफिन देने के बाद मेरे को टिफिन देता था, लेकिन उस दिन ये 20 मिनट देरी से आया। चलिए निर्मेश, अब बता दीजिए कि 20 मिनट देरी क्यों हो गई आपको? अभी साहब क्या बताऊं मैं आपको, मैं सच बताऊं साहब, क्या है ना कि उस दिन मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट चल रहा था। आधे रास्ते में पहुंचाने मेरे को पता चला कि एक डब्बा कम थी है, तो साहब मैंने क्या किया ना, मैंने साइकिल वापस घुमाई, डब्बा ढूंढने गया, लेकिन सब मेरे को डब्बा मिला नहीं। सब
मैं बहुत घबरा गया था साहब। तो क्या है ना साहब कि अगर दक्षा बहन को पता चलता ना तो मेरे को बहुत डांट पड़ती साहब। तो फिर क्या किया तुमने साहब? फिर है ना मैंने मनसुख को फोन किया। क्या है ना साहब कि उस दिन ऑफिस में उसका एक ग्राहक नहीं आया था साहब, तो मैंने है ना उससे एक एक्स्ट्रा डब्बा मांगा और मनसुख ने ना साहब मेरे को चुपके से वो डब्बा दे दिया। तो ये गुमशुदा डब्बा कहानी है या बहाना उस डब्बे के खाने में जहर डालने के लिए? नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक और बात निर्मेश, गट्टू का कहना है कि जब वो ऑफिस में चोरी करने घुसा तो ऑफिस का दरवाजा खुला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर उस दरवाजे को खींचकर बंद नहीं किया क्योंकि तुम चाहते थे कि वो दरवाजा गट्टू के लिए खुला रहे? कहीं तुम गट्टू के पार्टनर तो नहीं? नहीं नहीं साहब, वो क्या है ना कि दरवाजा भूल से मेरे से खुला रह गया होगा। दक्षा बे केड़ी बे, निर्मेश ऐसा नहीं कर सकता, वो सालों से मेरे साथ है, वो तो मेरे बेटे जैसा है, वो बहुत भोला है केड़ी बे, वो ऐसा नहीं कर सकता। और तो और साहब, अगर आपको है ना डब्बे के बारे में यकीन ना आता हो ना तो आप मनसुख से खातिरी कर लीजिए। हाँ जी, उस दिन निर्मेश को एक्स्ट्रा डब्बा मैंने ही दिया था। तो मनसुख भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डब्बा आपने निर्मेश को दिया वही डब्बा निर्मेश ने खिमजी भाई को दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही बेहोशी की दवा उस डब्बे में मिलाई और आपने ही कट्टू को वहां चोरी करने भेजा? आप ही कट्टू के पार्टनर थे, हो सकता है ना? हाँ, नहीं नहीं दक्षा बेन। नहीं केडी भाई, मनसुख मेरे भावच का बेटा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। केडी भाई, आपकी मुवक्किल खुद आपके सस्पेक्ट को निर्दोष का सर्टिफिकेट दे रही है, अब आप क्या करेंगे? प्रोसिक्यूटर साहिबा, मैं सोच रहा हूँ कि गट्टू चोर को कटघरे में बुलाओ, क्या ख्याल है आपका? तो गट्टू जी, दोपहर के 1:30 बजे आपने चोरी की और उसी दिन शाम के 5 बजे पुलिस ने तुम्हें धर लिया। इतनी जल्दी पुलिस तुम तक पहुंच कैसे गई? एक मिनट केड़ी भाई, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तेजी और चपलता सिर्फ आपकी मुंबई की पुलिस में है, हमारे अहमदाबाद की पुलिस भी कुछ कम नहीं। खिमजी भाई के ऑफिस में गट्टू से ये संजीवनी हर्बल दवाखाने में बनी ये जड़ी बूटी का पैकेट गिर गया था। बस सिर्फ इस एक सबूत के सहारे हमारी पुलिस ने गट्टू को ढूंढ निकाला। क्या बात है मिसेस ठक्कर, क्या बात है? संजीवनी हर्बल दवाखाना, ये तो बालों को झड़ने से रोकने की दवा है। तुम्हारे बाल तो अच्छे खासे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बापूजी के लिए। ऐसी आपके बापूजी के लिए? उस बापूजी के लिए जिसकी तस्वीर आप अपने बटुए में रखते हैं, आप ही का बटुआ है। बड़े हैंडसम है आपके बापूजी। तो मैं समझा नहीं, आपके सर पर इतने घने बाल हैं, आपके बापूजी के सर पर एक भी बाल नहीं, तो ये दवा किसके लिए थी? वो कहीं पुलिस के लिए तो नहीं थी? ताकि पुलिस उस दवा के पैकेट के जरिए दवाखाने तक पहुंचे और दवाखाने के जरिए आप तक। आप ये कहना चाहते कि इसने जानबूझकर ये पूरी गिराई? जी जी केड़ी भाई, ऐसा आपके मुंबई में होता होगा, हमारे अहमदाबाद में नहीं है ना? एक बात बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, अक्सर चोर चोरी करके भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो फिर गट्टू ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो अपने घर जाकर चोरी की रकम बिस्तर पर फैलाकर दरवाजे खिड़कियां खोलकर क्यों बैठा था? ये उसकी बेवकूफी थी या चालाकी, ताकि पुलिस तुम्हें पकड़े और तुम अदालत में दक्षा बेन के खिलाफ गवाही दो।
योर ऑनर, एक बुरी खबर है मिलॉर्ड। दक्षा बेन ने जो बेहोशी की दवा खिमजी भाई को दी थी उससे उनकी किडनी फेल हो गई और अभी एक घंटा पहले उनकी मौत हो गई। ये क्या कर दिया तुमने? कुछ पैसों के लिए आपने एक आदमी की हत्या कर दी? तो आप पर सिर्फ चोरी का इल्जाम था, आप एक खूनी है, खूनी है आप। छत साहब, खिमजी वोरा के हत्या के आरोप में दक्षा बेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं छत साहब, मैंने कुछ नहीं किया। केड़ी भाई, मैं खिमजी भाई की दुखद मौत ने इस केस को बड़ा ही गंभीर मोड़ दिया है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या यह पूरा षड्यंत्र सिर्फ पैसों की चोरी के लिए किया गया था या खिमजी भाई की मौत के लिए। ये केस एक मर्डर केस बन चुका है। जब तक इस केस की पूरी तरह छानबीन ना हो, यह अदालत मुलतवी की जाती है। लगता है खिमजी भाई की मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हारी भूख भी मर गई। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो दक्षा बहन सच बोल रही है, यानी कि मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यह नहीं जानता कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों दक्षा बहन को फंसा रहे हो, किसके कहने पर। योजना के अनुसार चोरी की आधी रकम तुमने दक्षा बहन के घर के बाहर कचरे के डिब्बे में डाला, उसके बाद अपने आप को पुलिस को पकड़वा दिया। उस खाने में बेहोशी की दवा भी तुम्हीं ने डाली थी। नहीं, नहीं। तो किसने मिलाई थी? ये मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। मुझे नहीं पता था कि वो सेठ मर जाएगा। मुझे लगा कि मुझ पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा और मैं उसकी दी हुई जमानत से छूट जाऊंगा। देखो गट्टू, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, इस कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, और अदालत में मैं तुम्हारी सजा कम भी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने भागीदार का नाम बताना होगा। उसी की वजह से तो मुझे फांसी की सजा दे देगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो और तुम्हारी सजा मैं कम करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा भागीदार कौन है। ये क्या हो रहा है केड़ी भाई? विशेष कुछ नहीं, बस गवाह से थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयत्न कर रहा था। अंधेरी कोठरी में उसे धमका कर अरे तू पागल थई गयो छे? हाँ यार, डिफेंस लॉयर छे, दक्षा बेन को निर्दोष साबित करके तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देगा। फांसी हो जाएगी तुझे, समझाइज तने समझाइज। ये जो कुछ भी कहना है मुझे कह, और वो भी अदालत में। अरे केड़ी भाई, आप ये हमारा अहमदाबाद है, आपका मुंबई नहीं, जो आपके लिए सारे दरवाजे आसानी से खुल जाएंगे। यहां सब कुछ हमारे तरीके से होगा, समझी गए हैं? समझ गया। वैसे इसका जवाब मैं आपको दूंगा अदालत में। सर बोल। सर ये रहा टिफिन, दक्षा बेन के घर से ही लाया हूं, और उस दिन ऐसा ही टिफिन खिमजी भाई के यहां भी गया था। और सर
और सही है, दक्षा बहन की रेसिपी की किताब जो आपने मंगवाई थी। पर आप इस किताब का क्या करेंगे? उंधियों, उंधियों की रेसिपी देखना चाहता हूँ। बैंगन, आलू, सूरन, असली घी कहीं पर भी नहीं, और दाल ढोकली। दाल ढोकली इसमें भी असली घी नहीं पड़ता। असली घी? हाँ असली घी सर, क्योंकि फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार खिमजी भाई को जो डब्बा गया था उस खाने में असली घी के ट्रेसेस पाए गए। देखना यह है कि असली घी उंधियों में था या। मिलॉर्ड, गट्टू ने अपनी शर्ट से छत पर लगे हुक पर लटक कर खुद को फांसी दे दी। गट्टू ने अपनी जान दी नहीं या ऑनर, बल्कि केडी पाठक ने उसकी जान ली है। I object, Your Honor. Your Honor, कल रात लॉकअप में केडी पाठक के आखिरी इंसान थे जो गट्टू से मिले थे। इन्होंने ही उसे धमकी दी थी कि अगर वो अदालत में दिया गया दक्षाबेन के खिलाफ उसका बयान वापस नहीं लेगा तो वो दक्षाबेन को निर्दोष साबित करके गट्टू को फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। बस इसी डर से गट्टू ने आत्महत्या की। गट्टू को फांसी की धमकी आपने दी थी, मैं तो उसे समझाने गया था। केडी भाई, अब मुंबई वाले हम अहमदाबाद वालों को नादान समझते हैं? खूब जानती हूँ मैं डिफेंस के ये हथकंडे। मिस ठक्कर, आपके पास कोई सबूत है कि केडी पाठक ने गट्टू को फांसी की धमकी दी थी? योर ऑनर, सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि डिफेंस लॉयर देर रात तक। तो फिर मैं आपको हिदायत देता हूँ कि केडी पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और केस को आगे बढ़ाइए। जी जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये हूबहू वैसा ही टिफिन है जैसा उस दिन खिमजी भाई के दफ्तर में भेजा गया था। इसमें खाना भी बिल्कुल वैसा ही है जो उस दिन था। ऊपर के डब्बे में रोटी और मीठा, दूसरे डब्बे में चावल, तीसरे डब्बे में उंधियू और आखिरी में दाल ढोकली। दक्षा बहन, उस दिन भी खाने का यही क्रम था ना? हाँ केडी भाई, मीठा और सूखा ऊपर के डब्बे में होता है, गरम और पतली सब्जियां नीचे वाले डब्बे में। आपको डब्बा पैक करना तो आ गया मिस्टर पाठक, अब क्या हमें खाना खिलाने का इरादा है? योर ऑनर, फोरेंसिक्स के मुताबिक बेहोशी की दवा आखिर के तीन डब्बों में पाई गई, यानी कि चावल में, ऊंधियों में और दाल ढोकली में। रोटी और मीठे में बेहोशी की दवा की कोई ट्रेसेस नहीं मिली। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? दक्षा बेन अच्छी तरह जानती थी कि खिमजी भाई को मारने के लिए कितनी दवा काफी है ना? दक्षा बेन, मुझे ये बताइए कि आप जब खाना बनाती हैं तो क्या उसमें असली घी का इस्तेमाल करती है? नहीं केडी भाई, असली घी सिर्फ रोटियां और मीठे में डलता है, बाकी के खानों में असली घी नहीं डालते। असली घी भारी होता है और सबकी सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता। बाकी खाने में असली घी नहीं डलता योर ऑनर। अगर दक्षा बहन अपने खाने में असली घी नहीं डालती तो सोचने वाली बात यह है कि फोरेंसिक्स को उस खाने में से असली घी के ट्रेसेस कैसे मिले? असली घी? मैंने तो असली घी डाला ही नहीं था। मिलॉर्ड, डाला भी होता तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मौत असली घी से नहीं बेहोशी की दवा से हुई है। तो बेहोशी की दवा असली घी में मिलाई गई थी योर ऑनर।
इस घी को खिमजी भाई के टिफिन के ढक्कनों पर इस तरह लगाया गया। और पैक किया गया। गरम खाना होने के कारण जैसे ही घी पिघला, उसमें डाली गई बेहोशी की दवा खाने में मिल गई। यारों, जाहिर सी बात है यार ऑनर, कि मेरा शक उन लोगों पर जाएगा जिन्होंने डब्बा भरने में और बांधने में दक्षा बहन की मदद की। सबसे पहले मैं पवित्रा बहन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आता मैं शू बोलो छो, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं घी में जहर मिलाकर डब्बों के ढक्कन पर? ना ना, अपनी बहन समान दक्षा बहन के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे क्या नर्क में जाना है? दक्षा बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी भाई, पवित्रा ऐसा नहीं कर सकती, वो बहुत भोली है। फिर तो एक ही शख्स बचता है यार, महाराज जी। क्या मैंने उस भोजन में बेहोशी की दवा मिलाई? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं पूछ रहा था आपसे। एक बात कान खोल कर सुन लो, अपने भोजन से किसी की जान लेने से पहले मैं अपनी जान ले लूंगा। शांत शांत है जाओ महाराज, मुंबई वालों जी। आई होप आप समझ गए केडी भाई। शांत हो जाइए महाराज, केडी भाई आपको नहीं जानते ना, इसलिए उन्होंने। केडी भाई, महाराज तो मेरे गुरु समान है, वो भला ऐसी हरकत क्यों कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। दक्षा बहन, अगर सभी निर्दोष हैं, तो उस खाने में बेहोशी की दवा क्या आप? अपनी बात पूरी कीजिए मिस्टर पाठक। तो क्या खाने में बेहोशी की दवा आपने मिलाई थी दक्षा बहन? नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बल्कि मैं तो कोर्ट से कब से कह रही हूँ कि दक्षा बहन ही खूनी है। मिस्टर पाठक, आपने जो डब्बे के ढक्कनों पर लगे घी की दलील दी है, उससे काफी हद तक मैं सहमत हूँ। इस डब्बे को फोरेंसिक भेजा जाए और ढक्कनों की पूरी तरह जांच की जाए। लेकिन केडी, गट्टू की मौत के बाद तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है ये साबित करना कि दक्षा बहन के अलावा कोई दूसरा उसका भागीदार था। मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। योर ऑनर, मैं एक बार पवित्रा बहन को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? क्या बात है पवित्रा बहन, आपको देखकर लग रहा है कि आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है, और आपकी आंखें जता रही हैं कि आप रात भर रोई हैं। सब ठीक है ना? जी, मैं क्यों रोने लगी, वो तो मुझे थोड़ा बुखार है। वो ऐसी बुखार है? ऐसा कैसा बुखार? एक सुहागन जिसका रोजमर्रा का श्रृंगार है, मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, वो भूल गई आप? ऐसा कैसा बुखार? जी, वो तो मैं जल्दी जल्दी में थी ना, इसलिए सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों भूल गई। वैसे आपके पति तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है उनका? नरेश कुमार। नरेश कुमार, क्या करते हैं वो, क्या व्यवसाय है उनका? जी, वो दूध की दुकान में काम करते हैं, डेरी। डेरी कहाँ पर? राजकोट में। राजकोट में, तो उनकी डेरी का नंबर तो होगा ना आपके पास? जी बिल्कुल। जरा बताइए। 0261 2854 2854 524। नंबर तो मैंने लगाया है, मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि ये नंबर नहीं लगेगा। जी, शायद वो नंबर खराब होगा। नंबर खराब नहीं, एसटीडी कोड गलत है। 0261 सूरत का कोड है, राजकोट का कोड 0281 है। ऑर्डर, ऑर्डर।
जरा अपने हाथ बताइए, कलाई बताइए। आपके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती थी, वो भी तोड़ दिया आपने, और टूटे हुए कांच की चूड़ियों के निशान है आपके हाथों पर। माफी चाहता हूं, प्रश्न थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछना पड़ेगा, आपके पति का निधन हो गया क्या? गवाह कह रहे थे कि उन्होंने गट्टू को दक्षा बहन के घर के बाहर देखा, क्योंकि वो आपसे मिलने आता था। पवित्रा बहन, अदालत को ये भी बता दीजिए कि खिमजी भाई के टिफिन के ढक्कनों पर बेहोशी की दवा वाला घी आप ही ने लगाया था। दरअसल मुझे पता था कि खिमजी भाई का डब्बा कौन सा है, इसीलिए मैंने घी में बेहोशी की दवा मिलाई और घी को उस डब्बे के ढक्कनों पे लगाया। और फिर मैंने अपने गट्टू को कहा कि वहां जाकर चोरी करे। एक आखिरी प्रश्न, 4,30,20,000 बहुत बड़ी रकम होती है, ये रकम लेकर आप लोग फरार हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया आपने? गट्टू को क्यों पकड़वाया और उसके जरिए दक्षा बहन को क्यों फंसाया? क्योंकि हम दोनों को ऐसा बोला था करने के लिए, प्लान हमारा नहीं था। उसने हमें बोला कि किमजी भाई को बेहोश करो और चोरी करो, इसके बदले में वो मेरे गट्टू की जमानत देकर हम दोनों को अलग से 25,00,000 देगा, जामनगर में जमीन, और गट्टू को एक अलग से एसटीडी की दुकान खोल के देगा। बस हमने इसी लालच में आकर ये सब किया। पवित्रा बहन, अदालत को बताइए कि ये लालच आपको किसने दी थी? किशन भाई धारीवाल ने। जज साहब, खेमजी भाई की वजह से मेरी साहूकारी का धंधा चौपट हो रहा था और उन्होंने मेरे सारे ग्राहकों को हथिया लिया था। इससे पहले कि मैं बर्बाद होता, मैंने उन्हें मारने का प्लान बना डाला। जज साहब, मुझे पता था कि उनके गुर्दे कमजोर हैं और बेहोशी की दवा का जरा सा ओवरडोज उन्हें मार देगा, और इसीलिए पवित्रा और गड्डू को चोरी का लालच दिया ताकि वो अनजाने में खेमजी भाई का खून कर सके। और जज साहब, ये सब मैं अपने धंधे को बचाने के लिए किया, और ये सारा प्लान मैंने बनाया था जज साहब, मैंने। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। ये अदालत किशन भाई धारीवाल और पवित्रा बेन को खिमजी भाई वोरा के दफ्तर से चोरी करने और उनके मर्डर के केस में दोषी ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और दक्षा बेन को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेट्स। थैंक यू दक्षा बेन, मैंने कहा था ना आपसे, आपको कुछ नहीं होगा।
भगवान दारू भलो करे। धन्यवाद बेटा। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इन्हें कहिए। खेड़ी भाई धन्यवाद। अरे अरे छोड़ के आ जा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मिसेस टकर, इस केस के शुरुआत से आप कह रही हैं कि मेरा मुंबई और आपका अहमदाबाद। वैसे अहमदाबाद जितना आपका है उतना मेरा, और जितना मेरा मुंबई है उतना आपका, और इस केस में अगर हमारा कुछ है तो वो है हमारा हिंदुस्तान। बोलिए जय हिंद। जय हिंद। बोलिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।